हेलो दोस्तों, वेलकम एंड गुड इवनिंग। और मैं कृति परे आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। आज है नवरात्रि का थर्ड डे। अभी हम जा रहे हैं गरबा खेलने के लिए, तो गरबा खेलने से पहले हम होते हैं चनिया चोरी पहन के रेडी, जिसको आप लोग लहंगा बोलते हो, हम गुजराती में इसको चनिया चोरी ही बोलते हैं और यही हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही पहन के रेडी हो रही थी, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो भी शेयर कर दिया जाए। तो कोई नहीं, आप पूरा लुक देखने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज मैं अपना ये वाला पिंक कलर का चनिया चोली पहनने वाले, बहुत ही प्रीटी है। मतलब ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, हमारे पालीताना में पिलग्रिमेज सेंटर है वहाँ पर मिलता है, वहाँ से मैं लाई थी। मुझे ये कलर और इसका जो डिज़ाइन था ना, बहुत ही पसंद आया था। मैं पूरा पहन के दिखाती हूँ। ये इसका मतलब लहंगा है, ये इसका दुपट्टा है और ये है इसका ब्लाउज। एक्चुअली ये ब्लाउज मैंने अपनी डॉटर के नाप का स्टिच किया है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, मैं अपना वाला ब्लाउज यूज करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख रहे हो कि ये हमने इसको वेयर कर लिया है। इसके साथ मैंने ये वाइट डिज़ाइन था, वाइट कलर का ब्लाउज़ यूज़ किया हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है, जहाँ से मैं रेडीमेड का करती थी वहीं से मैंने परचेज़ किया हुआ है। आप देख सकते हो, मतलब इतना बढ़िया ये है। सिल्क का पूरा कापड़ रहने वाला है, इसका घेर भी मतलब बहुत है। अब आज मैं थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने ले लिया है फाउंडेशन। हाँ, हम मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, बट रात को जाते हैं ना, कल मैंने टैल्कम पाउडर यूज़ किया था, फिर भी मतलब इतना गर्मी लग रहा था। और फिर ये था कि कभी कभी कुछ अच्छा दिखने के लिए मैंने सोचा चलो कुछ ट्राई करते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, जिसको मैं टप 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 डॉट डॉट करके यहाँ पे फेस पर लगा रही हूँ। और इसको अच्छे से, मतलब वो मैं क्या ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं कर रही, ऐसे ही हाथ से मैंने फैला लिया है। अब बारी आती है कॉम्पैक की। तो कॉम्पैक में यहाँ पे मेरे पास था, तो मैं लाइट कलर का यूज़ करती हूँ, जिससे बहुत मतलब ब्राइट ना दिखे। और जब भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉम्पैक या कोई भी मतलब ये फाउंडेशन कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो सिर्फ फेस पर करते हैं। अगर आप नेक ब्रॉड डीप नेक में पहनते हो, ब्रॉड नेक में पहनते हो, तो आप नेक पर, पूरे फेस पर और जो हमारा फोरहेड होता है ना, वहाँ पे भी आपको अच्छे से हेयर को हटाते हुए पूरा कवर करना है, ईयर्स को भी कवर करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी फेस और नेक और ईयर्स की जो स्किन होती है ना, वो बहुत डिफरेंट लगती है। इसके बाद ये क्या था कि इसको मुझे नहीं पता, बट मेरी डॉटर ने बताया कि इससे डार्क सर्कल जो होते हैं ना, वो कवर होते हैं। तो मैंने इसको ट्राई किया, पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा, तो आई डोंट नो। अब बारी आती है हमारी आईब्रोज़ की। और आज मेरा आईब्रोज़ का ब्रश नहीं मिल रहा था, तो मैंने ईयरबड से ही इसे सेट कर लिया है। होप कि परफेक्ट ही होता है, मैंने कई बार इससे किया हुआ है। और आज मेरा जो लिपस्टिक का कलर रहेगा, वो मैं पिंक कलर का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लगता है। पिंक कलर का लहंगा है, चोली है, तो इसके साथ पिंक ही अच्छा लगेगा, है ना। कमेंट करके बताना कि ये वाला कैसा लगा पिंक शेड। अब बारी आती है बिंदी की। तो कल मैंने गरबा में बिंदी लगाई थी ना, तो इतना पसीना हुआ कि बिंदी ऐसे ही पसीने में निकल गई। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ जुगाड़ किया जाए, और ये वाला मेरा नेल पेंट था जो मेरे लहंगे के साथ प्रॉपर मैच था, तो मैंने नेल पेंट से ही बिंदी लगा लिया। साथ में मैंने ये वाले अपने कंगन ले लिए, जिसके अंदर मोती और सिल्वर का ये बना हुआ है। ये कलर और ये चनिया चोली के साथ ये बहुत ही बढ़िया सा मैच होने वाला था, तो मैंने यही लगा लिया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं केयरफुली इसे पहन रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनके ऊपर लगे हुए जो पल है ना, वो निकल जाते हैं। इसके साथ मेरे पास मैचिंग रिंग नहीं थी, तो मैंने कल वाली ही यूज़ की। और हाँ, मैं जो मून वाली पहनती हूँ ना, तो वो उसके साथ मैचिंग होती थी। साथ में बहुत ही प्रीटी वाले मेरे झूमर मैंने यूज़ किया। आज मेरे बाल ना मैंने वॉश नहीं किए थे, तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते, तो मैंने आज डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई किया है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या ये वाला हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लगता है कि नहीं। तो अब बारी आती है हमारी दुपट्टे की। आज मैंने दुपट्टा
थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में कैरी किया है, क्योंकि मेरा ब्लाउज जो है वो इसका साथ लुक तो देता है बट प्रॉपर मुझे नहीं लुक दे रहा था। तो मैंने इसको कवर करने के लिए क्या किया कि कुछ डिफरेंट तरीके से इसको टाई किया है। आई होप कि इसके साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ जिसके साथ मैच करनी होती है अगर उसके साथ मैच परफेक्ट नहीं होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। ब्लाउज़ मेरे पास मेरे डॉटर के नाप का था, इसलिए मैंने इसको अल्टरेशन या कुछ नहीं किया, बस मैंने अपना ही ऐड कर लिया। यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसको दुपट्टे को कवर कर लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ को और दुपट्टे को एक और पिन लगा ली है जिससे दुपट्टा कवर होके रहे और जब भी हम गरबा खेलें तो हमारे दुपट्टा निकलने की या यहाँ वहाँ जाने की कोई गुंजाइश ना रहे और प्रॉपर तरीके से हम इसके साथ गरबा खेल सके। आप देख रहे हो मतलब प्रॉपर लुक इसका। हाँ थोड़ा सा मुझे ब्लाउज़ की वजह से ये कुछ डिफरेंट लग रहा है बट इट्स ओके। कभी कभी कुछ 19-20 चला लेना पड़ता है। हाँ आज तो मुझे 15-20 लग रहा था, 19-20 नहीं बट इट्स ओके, कभी कभी चलता है। तो कमेंट करके बताना कि आज वाला ये लुक कैसा लगा है ना। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये वाला लुक ट्राई किया, कल नेक्स्ट लुक लेके आ रही हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जरूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल अलग से ही नए कंटेंट नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।